हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट किए जा सकते हैं, और अगर किसी को स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो गए हैं तो उसके लिए उनको क्या केयर करना है। सो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी महिलाएं जो ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप आते हैं तो उनको ये क्वेरी रहती है कि मैम कॉस्मेटिकली कि प्रेगनेंसी के बाद हमें या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स डेवलप नहीं हो उसके लिए क्या करना है। तो पहले मैं समझाती हूँ कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों आते हैं। जैसे आप सबको पता है कि काफ़ी बार हमने देखा है कि अगर आपका सडनली जैसे आप वेट ज़्यादा है, आप वेट लॉस करते हैं तो आपकी जो स्किन है वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं। सो सेम चीज़ यहाँ पे कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी रुकता है 14 वीक्स के बाद, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, फोर्थ मंथ से जनरली पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि जो भी मॉइस्चराइज़र है या जो भी क्रीम्स वगैरह आते हैं वो पेट पे और थाइज़ वगैरह के भाग में अप्लाई करना है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चाधानी जो है, गर्भाशय जो है, उसका भी ग्रोथ होगा, और इसकी वजह से जो बच्चाधानी है वो पेट के भाग में यानी कि एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है, और आपकी जो एब्डोमिनल स्किन है यानी कि जो त्वचा है आपकी पेट के भाग की, वह जो त्वचा है वहाँ पर स्ट्रेचिंग आने वाला है। सो बिकॉज ऑफ दिस इसको स्ट्रेच मार्क्स कहा जाता है। और नॉर्मली अपनी जो स्किन रहती है उसके अंदर इलास्टिन करके एक फाइबर होता है, और यह जो फाइबर है वह टूटता है। जब भी आपकी स्किन स्ट्रेच होती है तो यह फाइबर टूटने की वजह से आपकी स्किन पतली हो जाती है। आपने देखा होगा वो वाइटिश कलर या तो पिंकिश कलर का स्किन आपको पहले दिखता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन एंड द इलास्टिन फाइबर्स। सो इसके लिए आपको क्या केयर करना है, या तो कौन से पेशेंट में स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा होने की संभावना होती है, यानी कि क्या क्या रीजंस होते हैं। स्ट्रेच मार्क्स जो है इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रेगनेंसी। यह जो स्ट्रेच मार्क्स है यह उसके जो रीजंस है कि बिकॉज आप सबको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम बोलते हैं कि माँ का एक नया जन्म होता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? रीज़न यही है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके कंप्लीट बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ईच एंड एवरी ऑर्गन में माइनर चेंजेस आने ही वाले हैं। सो बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स जो आपके बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। दूसरा है कि जेनेटिक हिस्ट्री, अगर आपकी मम्मी या तो बहन है उनको अगर ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आए हैं तो हेरिडिटरी भी एक रीज़न होता है कि आपकी टेंडेंसी होती है ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होने की। काफ़ी बार हमने देखा है कि कोई पेशेंट है जिनका बिफोर प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी अगर वज़न ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो ऐसे पेशेंट में भी स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये है रीजंस फॉर द स्ट्रेच मार्क्स। अभी हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन, क्योंकि जनरली हमारा टारगेट होता है कि कम्प्लीटली हम स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी अगर केयर अच्छे से किया जाए तो स्ट्रेच मार्क्स कम डेवलप हो सकते हैं। सो आपको प्रिवेंशन यानी कि क्या क्या ध्यान रखना है आपको। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि आपकी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज करना बहुत ही आवश्यक होता है। सो प्रिवेंशन में फर्स्ट पार्ट है कि आपको, जैसे आप कोई गायनेकोलॉजिस्ट को अगर चेकअप के पास जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जैसे ही आपका फोर्थ मंथ शुरू होता है वैसे ही आपको मॉइस्चराइज़र क्रीम है, एलोवेरा के क्रीम्स है, इवन स्ट्रेचनेल करके क्रीम आते हैं, काफ़ी सारे मार्केट में ऑयल्स एंड मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल है, इवन शिया बटर क्रीम आता है। तो यह सारे जस्ट आपकी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको इंटरनली जो चेंजेस करने हैं, केयर करनी है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो डाइट है वो हेल्दी डाइट होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अपनी जो स्किन है, स्किन में जो कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है,
जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप हेल्दी खाना खाते हो तो आपकी स्किन पे उसकी इफेक्ट दिखती है। सो आपकी जो टमी की जो स्किन है उसके ऊपर भी आपका डाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो आपकी डाइट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हाइड्रेशन, कि आपका जो वाटर इनटेक है, लिक्विड्स वगैरह जो है उसका इनटेक अच्छा होना चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स, जिसमें से आपको विटामिन सी मिल सकता है, ऐसे फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है, जिससे आपको आयरन, हीमोग्लोबिन जो है वो आपका अच्छा रहेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपका स्किन में जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वह अच्छे से कंप्लीट होगी, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा और आपकी जो स्किन है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो अच्छी रहेगी। सो ये हो गया आपका फूड में क्या क्या आपको चेंजेस करना है। दूसरा है कि काफ़ी बार हमने देखा है कि जो पेशेंट है, जैसे प्रेगनेंसी में नॉर्मली जो वेट गेन होता है दैट इज़ अराउंड 8 to 10 kg, कभी कभी हम 12 kg तक भी देखते हैं। सो दैट इज़ अ नॉर्मल वेट गेन। लेकिन अगर आपका सडनली बहुत ही ज़्यादा, जैसे एक महीने में 4-5 kg वेट गेन होता है, सो सडन वेट गेन अगर आपका प्रेगनेंसी में होता है तो आपको स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी। विटामिन डी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरली एंटीनेटल पेशेंट जो रहते हैं उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, प्रोटीन वगैरह दिया जाता है। सो दिस आर द सप्लीमेंट्स, तो यह भी आपको अच्छे से लेना है ताकि आपके स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट हो सके। अभी मैं बात करना चाहती हूँ कि आपको अगर स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो गए हैं तो उसके लिए आपको क्या केयर करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका प्रेगनेंसी का जो समय है उसमें आपको अच्छे से गाइड किया है कि इतने इतने, जैसे मैंने अभी बताया, वैसे क्रीम्स वगैरह आप अप्लाई कर रहे हो, फूड अच्छे से हेल्दी ले रहे हो, लेकिन स्ट्रेच मार्क्स जो है वो कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी को स्ट्रेच मार्क्स, जैसे डिलीवरी हो गई उसके बाद आपके स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा दिखते हैं, काफ़ी बार हम देखते हैं कि जैसे अभी मेरे पास ओपीडी में पेशेंट आया था 2 दिन पहले कि मैम पूरी स्किन ब्लैक हो गई है, डार्क हो गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आपके बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस हुए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वह सभी को नॉर्मल आने के लिए कम से कम 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। तो अगर आपको पेट के भाग में हाइपर पिगमेंटेशन है जो बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स है, तो यह सारा चीज़ आपका नॉर्मल हो सकता है आफ्टर 6 to 8 weeks। लेकिन जो स्ट्रेच मार्क्स वगैरह है उसके लिए आपको क्या केयर करना है, अगेन आप मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। जनरली मेरे जो पेशेंट हैं उनको मैं बताती हूँ कि कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल मिक्स करके आप दिन में 2 बार अच्छे से कंप्लीट बॉडी पे अप्लाई किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपका टमी का पोर्शन और आपका जो थाइस का फ्रंट और बैक पोर्शन है वहाँ पर आपको दिन में एटलीस्ट 2 बार अप्लाई करना है। जैसे मैंने बताया कि डाइट में आपको चेंजेस करने हैं, सो आपका जो डाइट है इट शुड बी अ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब है कि प्रोटीन इंटेक अच्छे से होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सिट्रस फ्रूट्स है, इवन जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। वाटर इंटेक आपका अच्छा रहना चाहिए। सो बॉडी को जितना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा उतना ही आपके जो स्ट्रेच मार्क्स वगैरह हैं वह इजीली लाइट हो जाएंगे या तो कम हो जाएंगे, लेकिन कम्प्लीटली 100% स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट करना मुश्किल है। दूसरा कि आपको और क्या क्या केयर करना चाहिए, कि जो चीज़ आपको अवॉइड करना है, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो, जैसे हाई शुगर कंटेंट है कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है या तो कैफीन वगैरह है, उसका भी ज़्यादा सेवन नहीं करना है। जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह है उसमें भी आप शुगर डाल रहे हो, सो हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो फूड है उसका सेवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका जो वेट गेन होता है, सडन वेट गेन, वन ऑफ द रीज़न इज कि अगर आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा है तो। दूसरा कि आजकल के जो मदर्स हैं, जैसे ही उनकी डिलीवरी होती है तो उनको लगता है कि मैम सडनली हमको मतलब एकदम फास्ट वेट लॉस करना है, तो एकदम आपको वेट लॉस नहीं करना है। उसकी वजह से भी आपकी जो स्किन है वह लूज हो जाएगी और उसकी वजह से भी आपके जो स्ट्रेच मार्क्स है उसके ऊपर भी उसका असर देख सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लास्ट में मुझे बताना है दैट इज़ एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसकी वजह से भी आपके स्ट्रेच मार्क्स वगैरह कम हो सकते हैं. और दूसरा है कि आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो अगर आप एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वगैरह है तो यह सारे एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपकी जो स्किन है उसका जो इलास्टिसिटी है वह भी अच्छा हो सकता है. सो फ्रेंड्स, यह सारी डिटेल मैंने बताई रिगार्डिंग स्ट्रेच मार्क्स. अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और मेरा जो इंस्टा आईडी है डॉक्टर काजल अंडरस्कोर मांगुकिया एंड ऑर्किड आईवीएफ सूरत, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अवेयरनेस डिटेल्स. थैंक यू.